ये पापा लोग ना कभी मुंह से आई लव यू नहीं बोलते, इंस्टेंट ही आपको आपकी फेवरेट चीज़ खाते हुए देखता है और अगले दिन उसकी पूरी पेटी उठा के ले आते हैं। रात को 11 बजे तुम्हारे स्कूल प्रोजेक्ट की जब तुम्हें याद आती है तो तुम्हें शीट्स और फाइल्स खरीद के लाते हैं, और जब उसका टाइम नहीं बचता तो खुद ही सारी ड्राइंग्स बनाने बैठ जाते हैं। ये लोग खुद की ख्वाहिशें मार के हमारी पूरी करते हैं। पापा जो चीज़ें खुद नहीं कर पाए वो सब हमें करता देखना चाहते हैं। पापा को जो चीज़ें खुद नहीं मिली वो हमें देना चाहते हैं। पटाखे बहुत पसंद होते हैं तो स्कॉर्पियो की पूरी डिक्की भर के पटाखे ले आते हैं। पूरा साल पढ़ाई के ताने देते हैं और जब रिजल्ट तब भी अच्छा नहीं आता है तो रात को आकर सर पर हाथ फेराकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये नंबर तेरी लाइफ डिसाइड नहीं करेंगे, चल तुझे कुछ खिला के लाता हूँ और एक मूवी दिखा के लाता हूँ। ये पापा जो पेटीएम में हमारी शिकायतें सुन के आते हैं तो टीचर के सामने हमें डांटते हैं और घर आके हंसी मजाक में उस बात को टाल देते हैं। हमारी लाख गलतियाँ माफ़ कर देते हैं और हमारे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ें ढूंढ के लाते हैं। सब करके भी कभी जताते नहीं हैं। बीमारी हमें होती है और रात भर ये जागते हैं। दो कमरे छोड़कर दूर बैठे होते हैं लेकिन जानते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे आके हाथ से खिलाते हैं। मेरी गलती पे खुद ही मनाने आ जाते हैं। ये पापा लोग ना बड़े भोले होते हैं। हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू।